हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अहुजा LXA 6000 एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, कितना इस पे लोड चला सकते हैं, बेस कितने वाट का चलाएं, टॉप कितने वाट का चलाना सही रहेगा, इस एम्पलीफायर का अभी का करंट प्राइस क्या होगा, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आप एक भरोसेमंद एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं, इंडियन ब्रांड में ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अहुजा LXA 7600 एम्पलीफायर दिखता कैसा है, फिर इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, लोड कैलकुलेशन करेंगे, फिर प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस एम्पलीफायर का लुकिंग देख सकते हैं, ये LXA सीरीज का एम्पलीफायर होने वाला है। तो हम ऑलरेडी दो वीडियो कवर कर चुके हैं, LXA 7600 और LXA 4500, ठीक है। तो बाकी ये है LXA 6000 एम्पलीफायर, डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। अहुजा का लोगो है एकदम सेंटर में, काफी शानदार यहाँ पे लुकिंग दिया गया है, ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लगाया गया है, ठीक है। इसका हैंडल का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, बेहतरीन है। यहाँ पे मेटल का यूज किया गया है, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल का यूज नहीं किया गया, ठीक है। जैसा कि अहुजा UBA 800 एम्पलीफायर में आता था, 250 में भी आने लगा, लेकिन यहाँ पे मेटल का ही यूज किया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे चार होल्स दिए गए, जिसका यूज करके आपको तो पता ही है, आपको फ्लैट केस में फिट करना है ताकि आपका एम्पलीफायर और भी अच्छा मतलब दिखे, ज्यादा इसमें स्क्रैच नहीं हो, और भी कई तरह के फायदे होते हैं फ्लैट केस में डालने से, ठीक है। बाकी इसका ग्रिल सिस्टम भी काफी अच्छा है, चैनल ए और चैनल बी, मतलब यहाँ पे सेम डिजाइन रखा गया, ठीक है, डिजाइन तो सेम ही होता है। और इसका लेग वगैरह भी काफी बेहतरीन क्वालिटी का है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया, बैक में भी आपको वही मिल जाता है, प्लास्टिक का गोड़ी, ठीक है, हम गोड़ी ही बोलते हैं, तो वहां से आपको रखने में काफी आसानी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रिल है ये भी काफी अच्छा है एयर फ्लो कराने के लिए, आपका शायद बैक पैनल से हीट निकल सकता है या फिर फ्रंट से ही निकलता हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने का स्विच दे दिया गया, चैनल ए और चैनल बी के लिए दो गेन नॉब दिया गया, और एक छोटा सा इंडिकेटर है, आपको पता ही है इसके बारे में, जैसे ही आप एम्पलीफायर ऑन करोगे मतलब स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका ब्लिंक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे चार चार इंडिकेटर्स दिए गए, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टेम्परेचर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है कि हमको डायरेक्टली पता चल जाए कि हमारा एम्पलीफायर एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर मिल जाएगा, जब भी आप सॉन्ग वगैरह प्ले करोगे तब को ये ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन, अगर एम्पलीफायर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर स्पीकॉन का कहीं पे तार अगर सट जाता है तो उस केस में आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, तो शायद आपका वो कनेक्शन को सही चेक करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या फिर कोई एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में भी ये प्रोटेक्शन आपको शो कर देगा पर्टिकुलर चैनल पे। बाकी अगर क्लिप ज़्यादा ब्लिंक करे तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटर को ऑन कर सकते हैं, बैक में एक स्विच होता है लिमिटर, हम ऑलरेडी अहुजा LXA 7600 बैक पैनल सेटिंग का वीडियो बना चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा डिटेलिंग वीडियो कि किस तरह से आप अहुजा LXA 7600 का पूरा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो बाकी आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देख के। आइए देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पे, अहुजा LXA, यहाँ पे देख सकते हैं 6000 एम्पलीफायर, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3000+3000 वाट आउटपुट, ठीक है, ये डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर होने वाला है। और यहाँ पे 80Hz to 120Hz LPF देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन सर्किट फॉर HF प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लिमिटर ऑन ऑफ कर सकते हैं, टू सिलेक्टेबल इनपुट सेंसिटिविटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि किसी में कम गेन रखना है, किसी में ज़्यादा गेन रखना है, या फिर दोनों में सेम चलाना है। और दोस्तों ये क्लास H प्रोफेशनल एम्पलीफायर होने वाला है, जो भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है इसका पावर, तो जैसे जैसे आप इसका साउंड बढ़ाओगे तो वैसे वैसे इसका पावर इंक्रीज होता चले जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें और आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, कितने ओम पे कितना आउटपुट ये प्रोवाइड करता है, डंपिंग फैक्टर क्या है, इसका वेट कितना होगा, हम लोगों को उठाने बैठाने में क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अहुजा LXA 6000 आपको प्रोवाइड करता है 8 ओम के लोड पे 1300 वाट पर चैनल RMS आउटपुट, ठीक है, 4 ओम के लोड पे 2000 वाट पर चैनल, और 2 ओम के लोड पे 3000 वाट पावर आपको मिल जाता है पर चैनल से, ठीक है। ब्रिज आउटपुट मतलब कि दोनों चैनल को मर्ज करके अगर हम चला रहे हैं तो आपको 8 ओम के लोड पे मिल जाता है 4000 वाट पावर का आउटपुट, और 4 ओम के लोड पे 6000 वाट पावर का आउटपुट।
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है 20 Hz to 20,000 Hz। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पावर बैंडविड्थ यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट इम्पीडियंस हो जाता है इसका 10K ओम अनबैलेंस और 20K ओम बैलेंस, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। SN रेशियो वगैरह देख सकते हैं इसका 95 dB है। चैनल सेपरेशन देख सकते हैं 65 dB एट 1K Hz। डंपिंग फैक्टर जो कि काफ़ी ज़रूरी होने वाला है अगर हम इस पे बेस चला रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 400 का डंपिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको करीब करीब 800 600 तक रहना चाहिए था तो काफ़ी मज़ा आने वाला था और भी बेहतरीन आपको एक्सट्रीम पंच इससे मिल सकता है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर DCRFI शॉर्ट सर्किट ओवरलोड बिल्ट इन लिमिटर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। AC सर्किट प्रोटेक्शन और भी यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह लगा होता है अंदर में, अगर आप कभी खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन में, ठीक है। इनपुट कनेक्टर्स के लिए आपको 2 XLR और स्टीरियो फोन जैक 6.3 mm का ऑप्शन मिल जाता है। आप XLR का ही यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हम दोनों का ही यूज़ कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आउटपुट कनेक्टर में आपको मिल जाता है स्पीकॉन कनेक्टर और बाइंडिंग पोस्ट, मतलब कि वो जो टर्मिनल कसने वाला होता है ना आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और कूलिंग के लिए 2 फैन लगे हुए हैं बैक पैनल में और ये फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब आपका एम्पलीफायर हीट करेगा। अगर आप ज़्यादा लोड पे चलाओगे तो जैसे जैसे हीट करेगा वैसे वैसे पंखा का आवाज़ भी, मतलब कि वो स्पीड खुद को वो ठंडा करने के लिए बढ़ा लेगा, तो इस तरह से आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको फ्रंट पैनल में 2 गेन नॉब मिल जाता है, स्विच मिल जाता है और वही इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि क्या है नहीं है। और यहाँ पे पावर कंजप्शन में 7200 VA और 220 से 240 वोल्ट तक आप इसको चला सकते हैं। 220 वोल्ट रखें तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और सबसे ज़रूरी कि इस एम्पलीफायर का वेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 39 kg साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो इस तरह से आपका वेट होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में आप कितने वाट का बेस चला सकते हैं। जो भी हम आपको बताएंगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आपको 8 ओम के लोड पे मिल जाता है, मतलब कि अगर आप सिंगल बेस चला रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे है 1300 वाट RMS पावर का आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपके पास 1200 वाट सिंगल बेस है RMS पावर का अगर स्पीकर है तो यहाँ पे आप इजीली रन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन आपको पंच वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ओवर में जाना हो, अगर आपके पास AES पावर का स्पीकर 1500 वाट का है जैसे कि POD में आता है, ठीक है, और भी कोई ब्रांड में आप देख सकते हैं, तो आप 1500 तक AES पावर स्पीकर चला सकते हैं तो काफी अच्छा रहने वाला है, एम्पलीफायर भी हीट कम करेगा। तो 4 ओम के लोड पे मतलब कि अगर हम डुअल बेस चला रहे हैं तो आपको 2000 वाट आउटपुट आपको मिल, तो अगर आपके पास हजार का बेस लगा हुआ है RMS पावर वाला तो आप यहां पे इजीली चला सकते हैं। 1200 वाट AES पावर का लगाएं तो काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। हम 2 ओम के लोड पे आपको नहीं बताएंगे कि आप इसको बेस में रन करो, ठीक है, और कोई रन भी नहीं करता है 2 ओम के लोड पे। तो आइए देखते हैं कि इसमें टॉप कितने वाट का चलाएं। तो यहां पे अगर आपके पास 600 से लेकर के 800 वाट का स्पीकर है तो यहाँ पे आप 4 ओम के लोड पे मतलब सिंगल चैनल पे एक टॉप सिंगल चैनल पे दूसरा टॉप चला सकते हैं, मतलब ठीक है एक एक टॉप चला सकते हैं यहाँ पे 4 ओम के लोड पे। 600 से लेकर के 800 के बीच में स्पीकर है तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। तो 2 ओम के लोड पे मतलब कि एक चैनल पे 2 टॉप चलाना है, दूसरे चैनल पे भी 2 टॉप चलाना है, तो कितने वाट का कॉम्बिनेशन लगाएं, ठीक है, मतलब स्पीकर कितने वाट का हो। तो 500 से लेकर के 700 के बीच में अगर आपका स्पीकर है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। एम्पलीफायर थोड़ा हीट करेगा तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फैन वो काम करते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको जो बताएं 500 से लेकर के 700 के बीच में लगाएं तो 600 ही लगाएं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आपको टॉप के बारे में भी बता दिए, बेस के बारे में भी बता दिए। तो बचा क्या है, आहुजा LXA 6000 एम्पलीफायर का प्राइस क्या है अभी के मार्केट में। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आहुजा LXA 6000 डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 59,400। तो ठीक है यहाँ पे हमको एक आंकड़ा मिल गया, तो 55 के बीच से हम इसका प्राइस मान सकते हैं, 55 से 60 के बीच में आपको यहाँ पे अप्रॉक्स में मिलना चाहिए, ठीक है। आप किसी डीलर से जाके बाय करें तो 100% है कि आपको प्राइस में ऊपर नीचे देखने को मिलने वाला है। जो भी आपके स्टेट में टैक्स लगता है तो उसके हिसाब से प्राइस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको इसका प्राइस भी बता दिए। तो इसी एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे हमको तो यहाँ पे यही लगता है कि इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक
ठीक है, जो भी हम आपको बताएं इस एम्पलीफायर के बारे में तो काफी अच्छा एम्पलीफायर होने वाला है। तो बहुत सारे डीजे सेटअप में ये एम्पलीफायर यूज किया जाता है, तो बहुत अच्छा एम्पलीफायर होने वाला है, ठीक है। तो आप इस पे बेस भी चला सकते हैं, प्रोग्राम अगर ज्यादा करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन ये ऑप्शन हो सकता है। तो आप अपने काम के हिसाब से इसको यूज में ले सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करना तो सही रहने वाला है, क्योंकि काफी पुराना ब्रांड है, आहूजा नाम ही काफी है। तो दोस्तों यही था आहूजा एलेक्स 6000 एम्पलीफायर के बारे में वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इंडियन ब्रांड में ही अच्छा खासा बेस स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो स्वीटॉन की तरफ से आता है 18PT 2000 सब। हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।